तेरी आईनादार है, हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। मेरे दोस्तों, महासुने इस्लाम कॉन्फ्रेंस यानी इस्लाम की खूबियों की चर्चा करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि इस्लाम की खूबियों की चर्चा करना एक अलग बात है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि खूबियों का नाम ही इस्लाम है। नाम ही इस्लाम है, लेकिन दुनिया में जितने भी मुझसे पहले तमाम वक्ताओं ने बात कही है, स्वामी अग्निवेश जी की उपदेश और तकरीर के बाद तकरीर का कोई मायने नहीं रह जाता है। और यहाँ हरबी अजीज महमूद हमारे रहनुमा लीडर मौलाना महमूद अजीज साहब तशरीफ फरमा है, उनको सुनने के लिए मैं भी बेकरार हूँ, तो उनके और स्वामी जी के बीच में बोलना वैसे ही बड़ी मुश्किल की बात है। एक तरफ स्वामी अग्निवेश, एक तरफ महमूद अजमी साहब, अब बीच में जो हंसता है उसका हश्र क्या होता आप जान सकते हो। लेकिन दिल की थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि माहौल बड़ा खराब है और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश वाकई हो रही है। कुछ लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का नाम है, कुछ लोग रोज चर्चा करते हैं, जैसा मीडिया का जिक्र मौलाना साहब ने किया कि इस्लाम तलवार की नोक पे आया, इस्लाम जुल्म का नाम है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम होता, खून बहाने का नाम इस्लाम होता, कट्टरपंथ का नाम इस्लाम होता, तो मुल्क में और दुनिया में यजीदियत फैलती इस्लाम ना था। नहीं सकता जिसको धरती पर फैलाने वाले के शान में पेड़ झुककर के सलाम करते हैं, जिसके सर पे बादल साया करता है, जो दुश्मनों को भी गले लगाने की बात करता हो। मैंने जहां तक महसूस किया है मौलाना मदनी साहब, मैंने महसूस किया है कि किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी की जान बचाने का नाम इस्लाम है, हाथ में एक 47 लेके बेगुनाहों का खून भरा बहाने का नाम इस्लाम नहीं है। और वहां से ने इस्लाम उसकी खूबियों का अपने आप में एक सबूत है। जब इस मुकद्दस मंच पर स्वामी अग्निवेश और आचार्य प्रमोद कृष्ण की मौजूदगी है तो इससे बड़ी खूबी और हो नहीं सकती। जो आदमी कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम को मानता हूँ, दहशतगर्द हूँ, आतंकवादी हूँ, माफ करना, मैं उसे मुसलमान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी हो नहीं सकता और जो आतंकवादी है वो मुसलमान हो। हमें सोचना है वक्त की कोई कृपावत भी है, आपको महमूद अजमी साहब को सुनना है। मैंने जो पैगंबर इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ लिखा है उसे पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। किसी और ने लिखा, मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये आचार्य प्रमोद कृष्ण के दिल की आवाज है कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी कितने तुम्हारे हैं, नबी कितने हमारे।
नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग सोचते राम केवल हिंदुओं के बात की जा रही है। क्या कोई सूफी संत रसूल पैगंबर महात्मा एक कौम के लिए आता है? बड़ी साफ तरह से मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी साफ तौर से कहना चाहता हूँ, जैसे कहा गया तो उसे रब्बुल आलमीन कहा गया है और उसे रहमतुल मुसलमीन आलमीन कहा गया है। तो जितने और तुम्हारे हैं उतने हमारे भी हैं। और सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया, मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। मेरी इस लाइन में सब कुछ है, पूरी तकरीर का निचोड़ है। तुम मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया। और मेरी बात आपके दिल तक जाए तो हाथ खड़ा करना जो मैं कहना चाहता हूँ। हो सकता है बहुत फिरका परस लोग मुझे निशाने पर लेते हैं, लेकिन मैं किसी के इन दहशत से डरने वाला इंसान नहीं। मैं जो कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ और मैं बोल रहा हूँ। मुकद्दस रास्ता देकर दीन दुनिया में फैलाया, तुम ही सागर तुम ही दरिया तुम ही कश्ती तुम ही मल्ला रसूल अल्लाह। लेकिन एक बात हमें सोचनी है, इसे कह के अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा कि हमें बेमतलब जो लड़ाया जा रहा है इसे कोई धर्म नहीं लड़ा रहा है, इसे मुल्क की सियासत लड़ा रही है। हिंदुस्तान पे 1000 साल से ज्यादा दूसरे मुल्कों के रहने वाले लोगों का राज रहा, लेकिन कभी इतनी नफरत के बीज नहीं बोए गए जितना हिंदुस्तान की आजादी के बाद इन 70 सालों में बोए गए। ये मुल्क की सियासत है जो हमें लड़ाती है और खुद नहीं लड़ती है। कौम के जो रहबर बनते हैं, कौम के जो मुहाफिज बनते हैं, कौम के जो रहनुमा बनते हैं, वो कौम के काफिलों को अपने घर बुला के चादर उड़ाते हैं। सोचना होगा। अब आप बड़ी गंभीर बात को अंदर ले गए होंगे, घर जाके सोचना। मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, तमाम प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ कि तेरा मेरा शीशे का घर मैं भी सोचूं तू भी सोच, तेरा मेरा शीशे का घर मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर दोनों के हाथ में पत्थर मैं भी सोचूं तू भी सोच। आपको इस जलसे की कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की मुबारकबाद देता हूँ, तमाम ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो मेरी इज्जत अफजाई की उसके लिए ताम मशकूर और ममनून रहूंगा। इन्हें दुआओं के साथ, इन्हें अल्फाजों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।